Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. प्रश्न ये है कि मुझे गुस्सा आता है कभी कभी, जब आता है तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, तो क्या करूँ? जब आ ही जाता है और कर ही लेते हो तो कर लो, पर गुस्से के अगले ही क्षण, गुस्सा हो गया कर दिया, अगले ही क्षण उस गुस्से को छोड़ दो, गुस्से की पकड़ मत बनाओ। पकड़ बड़ी दुखदाई, आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहा करते हैं, पकड़ बड़ी दुखदाई, पकड़ो तो दुख पैदा होगा। गुस्सा आया कर दिया ना, खत्म। ये तो ऐसे जैसे शरीर में कई बार खाना अपना अच्छे से नहीं पचता ना, तो गंदी हवा निकल जाती है, निकल गई हवा खत्म, छोड़ दो उसको, वो पकड़ के थोड़ी बैठता है, वातावरण में से खत्म कर दो उसको। ऐसे ही अपने मूड में से, अपने माइंड में से उस गुस्से का इफेक्ट मत रहने दो। कर चुके अगले पल चेंज हो जाओ, अगले पल वापस ऐसे हो जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सामने वाले आदमी से भी ऐसे बात करो, टोन चेंज करके, सब्जेक्ट चेंज करके, लहजा चेंज करके, ऐसे बात करो जैसे कुछ भी नहीं था। ये प्रैक्टिस तो कर सकते हो। मैं बोलूँ गुस्सा ही मत करो तो कुछ और बात हो जाएगी, तो सबको पता है मत करो, लेकिन हो तो जाता है, हो जाता है तो लंबा मत करो। अच्छा, लंबा नहीं करना, ये तो आपके हाथ की बात है ना, तो आप लंबा ना करो, छोड़ना सीखो, चीज़ों को बदलना सीखो। लोग क्या करते हैं, पुरानी बातों को छोड़ते ही नहीं है। अरे गलती सबसे होती है इस दुनिया के अंदर। हम जब छोटे थे चलना सीख रहे थे, कितनी बार गिरे थे, और जब पापा ने हमें साइकिल चलाने को दी, साइकिल दी, स्कूटी दी, जो भी दी, हमने कितनी बार एक्सीडेंट किया रहेगा, गिरे रहेंगे, पड़े रहेंगे, खुद को भी लगाई होगी, गाड़ी को भी लगाई होगी, पर हमने छोड़ा नहीं तो आज कुशल ड्राइवर बन गए। अगर उस टाइम सोचते अरे मैं तो इतनी बार गिरता हूँ, घुटने टूटते हैं, तो इससे अच्छा काय को चलना सीखने का, बैठ ही रहो ना, तो जिंदगी में कभी चलना ही नहीं आता। लेकिन गलतियां की, जड़ का कपड़े, फिर उठ के चलने भागने, तो फिर आज क्यों अड़ गए हो, क्यों अकड़ गए हो? अगर किसी और ने गलती करी है तो उसको भी बोलो हो गई ना, अब दोबारा मत करना, झाड़ो इन गलतियों को, गलतियों को झाड़ दो, अलग कर दो, छोड़ दो, दोबारा मत करना, और मुझे भरोसा है कि तुम दोबारा नहीं करोगे, ऐसा विश्वास दो उसको, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, ना आप बात को पकड़ोगे ना सामने वाला पकड़ेगा, छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। आपको गुस्सा हो गया है, सामने वाले को अगले पल सॉरी बोलो, बोलो माफ करना भाई, इतना गुस्सा नहीं करना था, पर अब आ गया, आ जाता है जो पता नहीं लगता मेरे को, मुझे क्षमा कर दे, सामने वाले को बोलो क्षमा कर दे। ऐसा अगर आप हर गुस्से की बात करने लग गए ना क्षमा, एक टाइम ऐसा आएगा कि गुस्सा आने से पहले आपको पता लगेगा, अरे अब गुस्सा मत कर रहे, अगले पल वापस क्षमा मांगनी है, तो चेंज हो जाओगे। पर हर इंसान को, हम में से हर इंसान को ये बात जरूर सीखनी है कि हमें आज के चैप्टर्स आज ही क्लोज करके सोना है, लंबे मत करो चैप्टर्स को। बुरा हो गया, भला कह दिया, बुरा कह दिया, झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, घर है, स्वार्थ टकराते हैं, बातें टकराती है, स्टाइल टकराती है, एक दूसरे की हैबिट एक दूसरे को समझ में नहीं आती है, तो गुस्सा आ जाता है, स्वाभाविक है, छोड़ दो, वापस सॉरी बोलो, क्षमा करो। खामे में सवे जीवा खमंतु में, बोल के कहो हे परमात्मा मैं सबको क्षमा करूं, सब मुझे क्षमा करें, मैं सबको सहन करूं, सब मुझे सहन करें, मेरा इस दुनिया में किसी से कोई वैर विरोध नहीं है, सब मेरे अपने ही तो है, कोई बुरा थोड़ी है, कोई पराया थोड़ी है, सब मेरे ही तो है। इस तरह से अपने मन को वापस प्यार दो, ज्ञान दो, अपने मन को समझाओ, और सामने वाले व्यक्ति को भी स्वीकारो, क्योंकि किसी को भी अस्वीकार करना, कौन हुए हम अस्वीकार करने वाले, कौन है हम अस्वीकार करने वाले? बीरबल और अकबर की कहानी आती है बहुत प्यारी सी, छोटी सी। एक दिन अकबर बादशाह था ना, जहां बना था थोड़ा अहंकार आ गया होगा, तो बीरबल को बोलता है, बीरबल मुझमें और उस परमात्मा में क्या अंतर है, वो सब कुछ कर सकता है, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, वो ऑर्डर पास करता है, दुनिया में घटना घटती है, मैं ऑर्डर पास करता हूँ तो मेरी मलकियत में घटना घटती है, तो मेरे में और परमात्मा में क्या अंतर है? बीरबल बीरबल था, उसका सारे जवाब ऐसे होते हैं कि वो चापलूसी करता नहीं, और जहाँ जिसको जो कहना होता वो कह भी डालता था।
बीरबल क्या बोला अकबर से कि जहां बना आप में और परमात्मा में क्या अंतर हो सकता है, बस एक ही अंतर है कि आप किसी से नाराज हो जाओ तो उसको देश निकाला दे सकते हो पर परमात्मा देश निकाला नहीं दे सकता। परमात्मा देश निकाला नहीं दे सकता ना, क्यों? क्योंकि परमात्मा के लिए तो सारा देश उसी का है और अकबर के लिए सारा देश थोड़ी है। आप तो देश निकाला दे सकते हो, कोई बंदा देश बाहर निकल जाएगा क्योंकि आपके पास थोड़ी सी धरती है। समझाने की बात है कि हम लोगों को इतना घमंड आ जाता है, हम कहते हैं मैं इसको रखूंगा ही नहीं, इसे बात ही नहीं करूंगा, इसको छोड़ दूंगा, अपनी जिंदगी से हटा दूंगा, अपने ध्यान से हटा दूंगा। हमको गुस्सा आता है तो हम रिश्ते तोड़ने की बात करते हैं, मुंह बोलने की बात करते हैं, अपने आप से कर्तव्य से पलायन करने की बात करते हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। आदमी गुस्से में आता है तब खुद मरने की या दूसरों को मारने की, छोड़ने की या हटा देने की, भगाने की बात करता है। वो सारी बातें फालतू है, ये सारे विकल्प फालतू है। जिसकी थाली में जो आया है, जिसकी किस्मत में जो लोग आए हैं, जो लोग मिले हैं, जो घटनाएं मिली है, जो माहौल मिला है, हमको उसी माहौल में रास्ता निकालना है। गुस्से में आकर उनको छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है अपने कर्तव्य से, पलायन नहीं करना है, ना किसी का दिल तोड़ना है, ना खुद को मारने का सोचना है। कितना भी गुस्सा आ जाए, एक बात ध्यान रखो, गुस्सा तो बाढ़ के पानी की तरह है, आएगा खत्म हो जाएगा, लेकिन पानी इस धरती पे हमेशा रहने वाला है, बाढ़ हमेशा रहने वाली नहीं है। आवेग आएंगे चले जाएंगे लेकिन लोग हमेशा रहने वाले, माहौल हमेशा रहने वाला है। इसी माहौल को प्रेम से स्वीकार करो। गुस्सा आ गया, अगले पल ठीक हो जाओ। गलत आपने बोल दिया, सामने वाले ने बोल दिया, खुद को भी क्षमा करो, दूसरों को भी क्षमा कर दो। और एक ही बात बोलो, गलतियां किससे नहीं होती पर गलतफहमी पालना गलत बात है। गलतियां सबसे होती है, गलतफहमी पाल लेना वो भयंकर पाप है। गलतफहमियां मत पालो, पालो गलतियों का तो खामियाजा हो सकता है पर गलतफहमियों का कोई इलाज नहीं होता। एक बहुत बड़ा हकीम हुआ, लुकमान हकीम उसका नाम था। अपने जमाने में कहते हैं कि उससे बड़ा विद्वान समझदार कोई था ही नहीं। उसके पास हर बीमारी का इलाज होता था, कहते थे हर मर्ज की दवा है उसके पास में। तो कोई सयाना उसके पास पहुंचा और उसने पूछा कि हकीम साहब आपके पास सारी बीमारियों की दवा है? हकीम बोले हाँ मेरे पास सारी बीमारियों की दवा है, सारे तरह के उपचार है, इलाज है, लेकिन दो की दवा नहीं मेरे पास में। बोले किसकी दवा नहीं है? तो बोला एक अहम की दवा नहीं और एक वहम की दवा नहीं है। आदमी में घमंड आ गया तो उसकी कोई दवा नहीं है और आदमी वहम में जी रहा है तो उसकी कोई दवा नहीं। अब देखो हम सारे लोग कहाँ जी रहे हैं, हमारी बीमारियां क्यों नहीं ठीक होती, हमारे दिन मान क्यों नहीं बदलते? क्योंकि हम या तो अहम में रहते या वहम में रहते, और वहम पाल करके, अभी भी वहम है कि मैं बहुत गुस्से में आता हूँ तो वह मैं ठीक नहीं हो सकता क्या? क्यों वहम कर रहे हो? आपका गुस्सा आपका है ही नहीं, ठीक है ना? कभी आंधी आ गई थी, जाने दो उसको, सफाई कर लो, क्या को पड़े रखते हो उस बातों को? गुस्से के साथ अपने आप को ज्यादा कनेक्ट भी मत करो, अहंकार के साथ भी कनेक्ट मत करो, किसी की गलतियों के साथ भी कनेक्ट मत करो। एक ही बात बोलो, हो गई ना, छोड़ो, आगे बढ़ो। जाने दो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, जाने दो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, छोड़ना सीखो। तो आपका गुस्सा भी आया, छोड़ दो तो ठीक हो जाओगे, और क्षमा मांगना सीखो। और जब गुस्सा चला जाए ना तो बोलो ले कितना मूर्ख हूं मैं, खुद को बोलना, कोई बोलेगा तो बुरा लगेगा, खुद खुद को बोलना, अरे क्या नाम बोला, पवन भैया, आपका नाम ले लूं क्या? तो खुद को बोलना, अरे पवन कितना मूर्ख है रे, इतना बड़ा आदमी हुआ अभी तो गुस्सा करता है, तू 8 साल का था तब भी करता था, अभी 28 साल का हो गया तब भी करता है, 48 साल का हो गया तब भी करता है, अभी कितना गुस्सा करेगा। खुद को बोलने का, खुद से बात करने का, और खुद को कहने का अभी कभी नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो मैं गुस्सा ना करके कुछ और कहूंगा, अभी कुछ तो चेंज लाऊं ना। आप बच्चे देखो ना गलती करते हैं लिखते वक्त, हैंडराइटिंग करते वक्त, तो आप क्या बोलते हो? अभी बार बार कह दिया तेरे को, कितनी बार तेरे टीचर ने रेड पेन से किया, गोला लगाया, अभी इसको ठीक कर, हैंडराइटिंग को ठीक कर। तो उसको प्रैक्टिस करवाते हो, 10 बार लिख करके देख, इसको ठीक बनाना है तेरे को, है ना? ऐसे खुद को बोलो,
कि ऐसी घटना आएगी तो पहले जैसे मुझे नहीं लिखना, पहले जैसे नहीं बोलना, अब मुझे एक नया स्टाइल पैदा करना अपने अंदर में, तो नया कला लाओ। बोला मैं गुस्से बिना गुस्सा किए ये बात करूंगा, बिना घमंड में आए अपनी बात कहूंगा, बिना वहम पाले इस जिंदगी को स्वीकार भाव से जीऊंगा, मैं किसी प्रकार का घमंड या वहम नहीं पालूंगा। आप लोगों को माफ करना सीखो, लोगों को उनके लेवल पे देखना सीखो। हर आदमी की रुचियां, लाइक्स डिसलाइक्स सब अलग अलग होते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग, सबको उनके लेवल पे देखना सीखो। आपको क्यों गुस्सा आएगा, बच्चा बच्चा है, बच्चा बचपना करेगा, है ना। अब बच्चे के बचपने पे आप गुस्सा करते हो तो आप नादान हो। हमारे गुरुजी कहते थे कि स्टूडेंट मूर्ख हो सकता है, लेकिन अगर टीचर उस मूर्ख स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा करता है तो टीचर मूर्ख है। टीचर को चाहिए कि वो अपने मूर्ख स्टूडेंट को कैसे ठीक करे, उसको कैसे विद्वान बनाए, और उसका टीचर उसके ऊपर गुस्सा करेगा तो उसका मतलब है टीचर खुद मूर्ख हुआ। तो देखो ना आप कितने बड़े हो गए, अभी गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो आप क्यों मूर्ख बन रहे हो। तो अपने आप को बोलो, अरे प्रकाश क्यों नादानी करता है, क्यों बार बार सेम गलती रिपीट करता है, अभी गुस्सा नहीं करने का, अभी प्यार से बात करने का। गुस्से में हो तो चुप हो जाना, मौन में रहना, जगह छोड़ देना, अपने आप को संभालना, और जब आप नॉर्मल हो जाओ तब बात करो। और हर बात का इमीडिएट जवाब दो ही मत। जब आपको लगता है आप आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हो, इसका मतलब है इमीडिएट रिएक्शन करते हो, तो इमीडिएट रिएक्शन मत करो, प्रैक्टिस करो। और अगर किसी दिन गलती हो जाए कि अब इतना सोचा था इमीडिएट रिएक्शन नहीं करूंगा, पर मैं तो फिर बोल पड़ा और फिर गुस्से में आकर के कुछ भी उठपटांग बोल दिया, सामने वाले का दिल दुखा दिया, अब क्या करूं। अपने लिए खुद प्रायश्चित स्वीकार करो कि अब आज के दिन मैं पूरा दिन में नमक नहीं खाऊंगा, कोई नमकीन चीज नहीं खा रही, सब्जी में भी नमक नहीं खाना, बिना नमक की सब्जी खाऊंगा। अब देखो गुस्से को जीतना है ना तो नमक को छोड़ने का अभ्यास करो। आदमी मीठा तो किसी दिन ना खाएगा तो चलेगा, पर नमक ना खाए तो वो पूरा दिन याद रहता है कि आज मीठ नहीं खाया, है ना। तो प्रैक्टिस करो कि गुस्सा आ गया तो आज के दिन पूरे दिन मुझे नमक ही नहीं खाना। तो अब ये 10 बार ऐसा कर लिया ना, 10 बार नमक छोड़ दिया ना, 11वीं बार गुस्सा कर ही नहीं सकोगे। 11वीं बार पहले हंसी आ जाएगी, अरे बाबू अब काहे को गुस्सा करने का, खुद को बोलने का, खुद का नाम लेकर के खुद को समझाओ, और खुद को समझा लो तो बेटर है, नहीं तो बाद में कर्म हमको समझाएंगे। कर्मों का फल जब मिलेगा तब अकल आएगी। अच्छा अभी अकल ले लो, है ना। तो बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन अहम वहम छोड़ दो तो गुस्सा नहीं रहेगा। और गुस्सा आ भी गया तो पकड़ो मत, लंबा मत करो, अगला ही पल अपना मूड चेंज करो, सामने वाले का भी मूड चेंज करो, सॉरी बोल दो, झुक जाओ, मुस्कुराओ। विराट गुरुजी कहते छोड़ दो गुस्सा जरा सा मुस्कुराओ, छोड़ दो गुस्सा जरा सा मुस्कुराओ, प्यार को बांटो स्वयं भी प्यार पाओ, प्यार को बांटो स्वयं भी प्यार पाओ, मुस्कुराना जिंदगी की है निशानी, तानना मृत्यु की मुरझाई कहानी, जिंदगी बाहें पसारे आ भी जाओ, जिंदगी बाहें पसारे आ भी जाओ, छोड़ दो गुस्सा जरा सा मुस्कुराओ, प्यार को बांटो स्वयं भी प्यार पाओ। जय हो।